सर पर लग जाए, और इवन पुअर न्यूट्रिशन और नाकस गज़ा मतलब अच्छी गज़ा ना हो कैन अफेक्टेड द वे द ब्रेन वर्क्स, तो वो दिमाग के काम पे अफेक्ट लाजमी करती है। ठीक है, इसीलिए हमें हेलमेट लाजमी पहनना चाहिए ताकि हमारे सर में हमारे दिमाग में कोई चोट ना आ जाए। नाउ डिफ़िकल्ट वर्ड्स हम अंडरलाइन करते हैं। अपनी लेड पेंसिल्स आप अपने पास रखें और नोट करें। पेज नंबर 1 ओपन करें। पेज नंबर 1 ओपन किया, हमने ये डिफ़िकल्ट वर्ड्स देखे, फंक्शन काम करना, डिफरेंट मुख्तलिफ, बिल्ट बनाना या तमीर करना, नेचर कुदरत, एसेंशियल ज़रूरी, ऑब्जर्व महसूस करना, विजिबल दिखाई देना, ब्रीफ मुख्तसर, डिस्क्रिप्शन तफसीलात। पेज नंबर 2 ओपन करें। स्कल खोपड़ी, डेलिकेट नाजुक, ऑर्गन अजू या हिस्सा, स्कल खोपड़ी अगेन वही है, उसके अलावा डैमेज ख़तरा, इंस्ट्रक्ट्स मालूमात देना, क्विकली तेज़ी से, पुअर न्यूट्रिशन नाकस गज़ा, प्रोटेक्टेड हफाजत करना अगेंस्ट के खिलाफ। ये आप सब वर्ड्स को अंडरलाइन करेंगे और इनके मीनिंग्स ऊपर लास्ट में मेंशन करेंगे ताकि आप जब खुद रीडिंग करें इसके बारे में पढ़ें तो आपको अच्छे से समझ आ जाए। आप उम्मीद करती हूँ आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा। होमवर्क यही है, आपने ये ब्रेन की पिक लाजमी प्रैक्टिस करनी है अपनी नोटबुक्स पर, और क्वेश्चन का आंसर लिखना है। क्वेश्चन नंबर 2 देखें, पेज नंबर 11 एक्सरसाइजेस, इसका क्वेश्चन नंबर 2 देखें। बी, व्हाई इज़ द ब्रेन कॉल्ड द कंट्रोल सेंटर ऑफ द बॉडी? कंट्रोल सेंटर ब्रेन क्यों कहलाता है, इसके बारे में हमने अभी पढ़ा, ब्रेन के बारे में पढ़ा। आपने इस क्वेश्चन को अटैम्प्ट करना है और इसका आंसर लास्ट में अपनी नोट कॉपीज पर लिखना है, नोटबुक्स पर। ओके, अल्लाह हाफिज़।